तो दोस्तों स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में लेके आया हूँ कि आप लोग अपने कैमरा से मैक्सिमम आउटपुट ब्लर कैसे लगा सकते हैं, चाहे वो फोटो में चाहे वीडियो में, कैसे आप लोग अपना फुटेज को पूरा बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं आप लोग के बैकग्राउंड कैसे ब्लर है। तो इसी वीडियो में बात करेंगे कैसे अपना कैमरा सेटिंग बताऊंगा किस तरह सेटिंग कर सकते हैं और बताऊंगा एग्जांपल साथ कि कैसे कैसे शूट कर सकते हैं आप लोग को, जैसे ब्लर को ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। ठीक है, मैं डेमो दिखलाऊंगा किस तरह से शूट कर सकते हैं आप लोग, किस तरह से फोटो शूट होगा। तो वीडियो में जो है वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा आप लोग, एक लाइक कीजिएगा। और दोस्तों देख लेते हैं पहले कैमरे में क्या क्या सेटिंग करना है। पहले आपको कैमरे में मैनुअल मोड में जाना होगा। ठीक है, मैनुअल मोड में जाने के बाद आप लोग को अपना अपर्चर दिख रहा होगा जो एफ वैल्यू होता है, देख रहा हूँ तो एफ होता है, एफ को सबसे कम जितना है आप लोग मैक्सिमम जाता है कम अपने कर दीजिए कम। ठीक है, और शटर स्पीड तो इसको अपने जैसे कि आपने 30 फ्रेम सेकंड पर सेट किया है तो इसको 80 या 100 तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको वीडियो में ऑटो में डाल दीजिए या फिर जितना कम से कम हो सके। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए, एफ को सबसे कम कर दीजिए मैक्सिमम ब्लर फोटो या बड़ा वीडियो के लिए। चलिए मैं डेमो आपको समय लिया चाहूँ, अब से कुछ मैं फोटो दिखाता हूँ करके। चलिए दोस्तों देखिए, मैं चलिए दोस्तों सब सेटिंग कर लिया कैमरे में, फिर भी देख सकते हैं जो देख सकते हैं पीछे में बॉक्स रखा हुआ है। आप लोग इस अमेजोन बॉक्स को ना बैकग्राउंड मानिए अपने, मतलब आपको कोई बैकग्राउंड हो सकता है, या पेड़ हो पीछे, या पौधा हो पीछे, आप कुछ भी हो इसको अपने बैकग्राउंड मानिए। और ये ऑब्जेक्ट जो खुद को मानिए, फिर आपका सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या देखिए अगर मैं मिनिमम सेटिंग भी कर चुका हूँ इसमें, देखिए अपर्चर इसमें 1.8 का है, फिर भी देखिए बैकग्राउंड ब्लर नहीं हुआ है। मैं फोटो करके दिखाता हूँ आपको, देखिए फिर भी इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर नहीं हुआ है क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट के बिल्कुल पास है बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसका मैं सही तरीका बताता हूँ किस तरह से सही तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसको बैकग्राउंड को आपको जितना हो सके आपने सब्जेक्ट से दूर रखिए, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कोई बैकग्राउंड से दूर हो गया। अब मैं एक फोटो को लेकर दिखाता हूँ किस तरह से सैंपल आता है। देखिए देखिए दोस्तों देख सकते हैं फोटो क्लिक किया मैंने, कितना अंतर आ चुका है डिफरेंस। तो देख सकते हैं इसी तरह सैंपल मैं लेके दिखाता हूँ आप लोगों को पास का और दूर का कितना अंतर होता है। तो दोस्तों कैसा लगा सैंपल बताइए मुझे। मैंने इस घर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है किस तरह से आप लोग को बैकग्राउंड को रखना है, किस तरह से आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से हमेशा दूरी रखना है, तभी बैकग्राउंड ब्लर होगा तो नहीं ब्लर होगा। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लीजिए, एफ को जितना कम कर सकते हैं चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फोटो, एफ को सबसे कम कीजिए। ठीक है, और शटर स्पीड को अपने हिसाब से मैच कीजिए, जैसे कि 100, 100, 220 ऐसे करके मैच कीजिए जितना आपका सब्जेक्ट मूविंग होगा। ज़्यादा सब्जेक्ट मूविंग कर रहा है तो शटर स्पीड को थोड़ा हाई कर दीजिए, नहीं तो मूविंग नहीं कर रहा है अपना ट्राइपॉड शूट कर रहा है तो वो कम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी सैंपल मैंने फोटो शूट लिया है जो सब 50mm लेंस से लिया है। तो अभी आज तक आपने 50mm लेंस का रिव्यू नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ डाल चुका हूँ वीडियो, तो देख के कमेंट कर दीजिए। कमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको से सीखने को मिलता है मुझे बहुत कुछ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक रहेगा हमें सकती। जय हिंद, जय भारत।